जी बिल्कुल पाते, सही भी पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं जासिम हूँ वैली बॉयज़ बैंड से। आज हमने यहाँ पर एक इवेंट किया, कल्चरल इवेंट हमने यहाँ पर किया रिगार्डिंग जो ड्रग्स आजकल लोग लेते हैं, जो सुसाइड्स आजकल होते हैं यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन कोलोब्रेशन हमने किया हबक इस्लाम जो एनजीओ एक चलाते हैं और परवेज नौपरी प्रोडक्शन के साथ हमने यहाँ पर एक कोलोब्रेशन की रिगार्डिंग अवेयरनेस कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे कि क्या है सही क्या है गलत। जो आजकल यहाँ पर कश्मीर में जो ड्रग्स ज़्यादा आम लोग लेने लगे एज़ कम्पेयर टू बाहर, पहले ज़्यादा था अभी कश्मीर में हमारा ज़्यादा होने लगा, बाहर सुसाइड्स ज़्यादा होते थे अभी कश्मीर में भी ज़्यादा सुसाइड्स होने लगे। इस रिलेटेड हमने एक यहाँ पर कैंपिंग चलाई जिसमें हमें ताउन दिया हबा खातुल इस्लाम जो क्या जो एनजीओ यहाँ पर चलाते हैं और परवेज नापुरी प्रोडक्शन। जी मैं एक्चुअली हमारे एंटी करप्शन फोरम से हूँ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का। देखिए आज यहाँ पे जो हबा खातून का जो इवेंट था इधर कोकरनाग पार्क में, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉपरेट भी किया है और उनका जो म्यूजिक सिस्टम था यहाँ पे कुछ सॉन्ग भी इन्होंने गाए और सॉन्ग के बीच में जो इनका ऑर्गेनाइजर था जो इनका डायरेक्टर था एनजीओ का, उन्होंने एक मैसेज दिया लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए, कि ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स आप जो अभी आप मतलब पूरे एरिया में देख रहे हो ड्रग्स में छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें ये मैसेज थी और इवेंट का मकसद भी यही था कि बच्चे जो हमारे यूथ है वो ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जाए। मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं पूरे यूथ को मतलब जो भी अभी ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि अपने भी सेहत का ख्याल रखे और अपने मतलब घर वालों का भी ख्याल रखे। जी मेरा नाम सुहेल मंजूर है और मैं हबा खातून इस्लाम रिसर्चिंग ट्रस्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अनंतपुर में और इन कलाब्रेशन विद ऑलराउंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम यहाँ पे आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया जो कि ड्रग अब्यूजिंग पे था। यहाँ पे लोग तो बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रहा, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा हमने, तो ये इसलिए हमने किया ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि ड्रग के बगैर भी दुनिया है। ये जो म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह हमने किया ये इसलिए किया कि लोगों को ये अवेयरनेस हो, जो यंग यूथ है हमारे जो ड्रग एडिक्ट हुई है, इनको ये मैसेज मिले कि ड्रग के बगैर भी दुनिया है जिससे हम अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा आज कोकरनाग एरिया में हमने आज कोकरनाग के बाग में हमने आज ये प्रोग्राम किया जो कि ड्रग अब्यूजिंग के, इंशाल्लाह ताला हमारी ये उम्मीद रहेगी और हमारी ये बिल्कुल कोशिश रहेगी हम ये प्रोग्राम बार बार करते रहें और हर किसी जगह पे करें। फ्री मैसेज यही है कि आप भी हमें सपोर्ट करिए, ये जो ड्रग एडिक्टर्स हैं ये इनको एडिक्ट हम ही कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें रोक टोक या फिर हम इन्हें रियल रास्ते नहीं दिखा रहे हैं। हमारे पास सोर्सेज है, कश्मीर में बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हम अपने आप को भी चला सकते हैं, अपने घर को भी चला सकते हैं, हर कोई चीज़ हम कर सकते हैं। वाई ड्रग, ड्रग ही क्यों, सुसाइड ही क्यों, सुसाइड के बगैर भी दुनिया है, ड्रग के बगैर भी दुनिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैसेज यही है कि ड्रग को छोड़ो, बाकी चीज़ों को देखो जिससे आप अपने आप को बना सकते हो, चला सकते हो।